लखनऊ में मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक द्वारा विधानसभा के सामने किया गया प्रदर्शन। पिछले 6 साल से मानदेय न मिलने से नाराज शिक्षकों ने विधानसभा के सामने किया प्रदर्शन। मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों द्वारा पिछले कई महीनों से इको गार्डन में किया जा रहा था प्रदर्शन, आज अपनी मांगों को लेकर मदरसा शिक्षक पहुंचे विधानसभा किया प्रदर्शन। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों को विधानसभा के सामने से समझा कर हटाया। लगभग 24,000 शिक्षकों का मानदेय 6 सालों से बाकी है, जिसकी मांग को लेकर आज प्रदर्शन करने पहुंचे थे विधानसभा। पुलिस के आश्वासन के बाद प्रदर्शन कर रहे शिक्षक वापस लौटे। अपना परिचय दें। हमारा नाम नरेंद्र कुमार यादव है, हम आजमगढ़ जिले से हैं। जो हम मदरसे में आधुनिकीकरण शिक्षक हैं, जिसमें जो है आधुनिक विषय हम पढ़ाते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कंप्यूटर आदि की शिक्षा दी जाती है। और हम लोगों को जो है 6.5 साल हो गया जो हम लोग को मानदेय नहीं मिल रहा है। सरकार हम लोगों को केवल आश्वासन देती है। हम लोग कई बार धरना कर चुके, 25-30 बार यहाँ कर चुके, लखनऊ में जीओपी पार्क में किए, इको गार्डन में किए, केवल हम लोग को आश्वासन मिल जाता है, जाइए आप लोग का काम हो रहा है। हम लोग आज जो है यही करते करते 6.5 साल बीत गया। अब हम लोग को परिवार जो है भूखा मर रहा है। अब हम लोग जो है बहुत ही हम लोग नाजुक स्थिति में है। अब हम लोग को आश्वासन नहीं चाहिए, हम लोग का भुगतान कर दें। और 4 जनवरी को माननीय डायरेक्टर महोदय जो है योजना का जो है बंद करने का निर्देश दे दिया जो है इन्होंने, और इसके पहले का हमारा भुगतान कर दिया जाए। जिस दिन निर्देश दिए हैं उसके पहले का तो भुगतान कर दे हम लोगों का। और हम लोगों का 6.5 साल का अगर योजना चलाना है राज्य सरकार से, तो आप लोग विधानसभा पहुंच गए प्रदर्शन। हम लोग प्रदर्शन 43 दिन हो गया हम लोग को धरना प्रदर्शन करते हुए, जब कोई सुनवाई नहीं हुई तब हम लोग मजबूर होकर के हम लोग यहाँ विधानसभा में आए हैं। हम लोग देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।